मैं यहाँ पे दूरबीन हॉस्पिटल में आया तो सर ने अच्छे से बताया, फिर पूरा जो डर था वो निकाल दिया मेरा बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों हमारे साथ हैं राजेश जी। राजेश जी की थायराइड की सर्जरी हुई है, गले में इनकी गांठ थी। मैं बताऊंगा इनकी सारी, बट सबसे पहले तो राजेश जी से इनकी जर्नी पूछते हैं। कैसे राजेश जी, आप बताओगे अपनी बीमारी के बारे में? मेरा नाम राजेश कुमार केवट है और मेरा गांव देवड़ावास टोंक जिले में। मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम साल भर से थी, तो मैंने आसपास के डॉक्टर को भी दिखाया था, तो वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने थायराइड का बताया, लेकिन डर सा था एक ही, कहीं जाने क्या होगा। कि लोगों से सुनते थे कि ऑपरेशन में ऐसा होता है, इतने चीरे लगते हैं कमर पे, जाने कौन सा इंजेक्शन लगता है, जाने क्या क्या, तो उन सब से डर के मैंने चलो काम चलाया। फिर मेरे जैसे छुट्टियाँ हुई तो मैंने सर के बारे में सुना, किसी दोस्त से वो MR है जो, फिर मैं यहाँ पे दूरबीन हॉस्पिटल में आया तो सर ने अच्छे से बताया, फिर पूरा जो डर था वो निकाल दिया मेरा बिल्कुल। और सर ने मेरी सर्जरी की, सर्जरी में एक पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला। जैसे वो बोलते थे ना कि इंजेक्शन लगेगा, वो उससे कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सा, मेरे को पता ही नहीं चला कि कब ऑपरेशन हुआ, कब क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे को आज 10 दिन हो गए और कोई भी दिक्कत नहीं है, ना तो कोई टांगे खोलने में कोई दिक्कत आई, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। आप अपने इलाज से खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ सर। आपको कोई हॉस्पिटल में या कोई दिक्कत आई? नहीं, बिल्कुल सबका स्टाफ का पूरा का अच्छा व्यवहार सबका सर। तो राजेश जी, अभी क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या है, अभी भी क्या है, थायराइड की ऐसी समस्या है जो आप डर के मारे इलाज नहीं कराते, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे कि किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से अच्छे डॉक्टर से मिले, जैसे अपने यहाँ पे दूरबीन हॉस्पिटल में आए और अच्छे से इलाज कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों राजेश जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे कभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम डॉक्टर से मिलते हैं लेकिन हमारे दिमाग में जो डर होता है या हमारा वो डर नहीं निकल पाता और हम क्या है कि इलाज नहीं करा पाते, लेकिन अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं तो आपको जो दिमाग का जो डर है, आप चाहे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में मेरे से दिखाओ, चाहे किसी से भी दिखाओ, लेकिन सबसे मेन बात है थायराइड की अगर गांठ है तो दोस्तों उसकी गांठ का इलाज कराना चाहिए। राजेश जी ने भी ऐसे क्या है कि पहले इलाज नहीं करा पाई, लेकिन जब इन्होंने ठान ली कि नहीं मेरे को गांठ निकला नहीं है, जब ये मेरे पास आए काफ़ी भयभीत थे, डरे हुए थे, इनको 2-3 शंकाएँ थी कि डॉक्टर साहब गला कट जाएगा, निशान आ जाएगा और मेरे दर्द होगा, मेरी आवाज़ चली जाएगी, मेरे जो है पीछे पीठ में निशान लगाया जाएगा। लेकिन आप ये देख सकते हो कि आप कोई कह सकता है कि इनकी 2-2.5 घंटे सर्जरी हुई थी आज, या कोई इनका सर्जरी हुआ, इनका गला भी आपको दिख रहा है, इसमें कहीं पे बाहर से कोई टांका नहीं है, कहीं पे अभी इनको ये भी पता नहीं लगता कि कोई ये मेरी का सर्जरी कहाँ से हुई। एक तो आवाज में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, आपके सामने ये बोल रहे हैं, आवाज इनकी बिल्कुल, क्योंकि लोगों को ये बहुत बड़ा बहम है राजेश जी। सर मेरे खुद को ये डरता है कि आवाज चली जाएगी, कि आवाज चली जाएगी। दोस्तों ये बड़ा डर रहता है, इसलिए क्या इन डर के मारे वो गांठ जो सही इलाज हो रहा होता वो क्या है कई बार कैंसर और कई सारी चीजों में कन्वर्ट हो जाती है। राजेश जी की रिपोर्ट भी हमने अभी डिस्कस की थी, बिल्कुल नॉर्मल है, तो इनका ये बीमारी का चैप्टर यही क्लोज हो गया, अभी अपना रूटीन कामकाज सब ऐसे कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी क्या है बीमारी को बढ़ाए नहीं एंड समय पे उसका इलाज कराए। हो सकता है कि एक डॉक्टर से आपने जिसको दिखाया एक्सपीरियंस सही नहीं रहा तो दूसरे से अच्छे किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करो, लेकिन यस अच्छे कॉम्पिटेंट आदमी से हम संपर्क करेंगे तो हमारा रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। थैंक यू राजेश जी। ठीक है।